नमस्कार दोस्तों, INT20 शिवानी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ शिवानी तिवारी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वर्ष 2021 में महाशिवरात्रि के दिनांक एवं तिथि क्या है, पूजा की विधि क्या है और महाशिवरात्रि का महत्व क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिवरात्रि तो हर महीने में आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल भर में एक बार आती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए है क्योंकि ये शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि है। दोस्तों, शिवरात्रि की पूजा में कुछ ऐसी पूजन सामग्री होती है जिसे शामिल करना बेहद जरूरी होता है, जिससे शिव जी काफी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पूजन सामग्री की बात करें तो भगवान शंकर को स्नान के लिए तांबे का पात्र और तांबे का लोटा, अभिषेक में इस्तेमाल होने वाला दूध और भगवान को चढ़ाने वाला वस्त्र अगर संभव हो तो। इसके अलावा चंदन, धतूरा, बेलपत्र, जनेऊ, फल, मिठाई के साथ ही पंचामृत बनाने के लिए जरूरी सामग्री, चावल, अष्टगंध, दीप, तेल, रुई, धूप बत्ती पूजा की सामग्री में जरूर शामिल करें। इसके साथ ही भोलेनाथ की पूजा में भस्म का प्रयोग जरूर करें। भगवान शिव की पूजा में आप रुद्राक्ष की पूजा भी कर सकते हैं। शिव और रुद्राक्ष एक दूसरे में समाहित हैं, क्योंकि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसू से हुई है। पूजा के बाद रुद्राक्ष को घर में रखने से घर का वातावरण शुद्ध होता है। महाशिवरात्रि वर्ष 2021 में 11 मार्च 2021 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। और मुहूर्त, निशिता काल पूजा मुहूर्त क्या है और पारण मुहूर्त क्या है, सारी डिटेल्स स्क्रीन पर दी गई है, आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि के दिन शिव पूजा की विधि क्या है, पूजा करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर संभव हो तो आप मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं और मंदिर जाकर शिव जी की पूजा करें। पंचामृत से अभिषेक जरूर करें। बेलपत्र, धतूरा, पुष्प अर्पित करने के बाद आरती करें और भगवान की परिक्रमा करें। शिव पूजा में भूल कर भी तुलसी का प्रयोग ना करें। जब आप शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले व्रती अगर सारा दिन व्रत नहीं रख सकते तो ड्राई फ्रूट, चाय, दूध ले सकते हैं। शाम को सिंघाड़े का आटा, आलू, लौकी का हलवा भी खा सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप शिवलिंग पर तीर्थ के जल से अभिषेक कर रहे हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।